मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से तरोताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज आज का। काशी में होने वाली बैठक में आ सकते हैं पीएम मोदी, 200 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। G20 देशों के प्रतिनिधियों की काशी में अगली बैठक 24 व 25 अगस्त को निर्धारित है। सांस्कृतिक कार्य समूह कल्चरल वर्किंग ग्रुप की इस बैठक में भी 200 से अधिक प्रतिनिधियों के आने की बात है। इसी क्रम में 26 अगस्त को संस्कृति मंत्रियों की बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की चर्चा है। G20 देशों के बीच संस्कृति के आदान प्रदान के साथ साझा कार्य योजना की स्वीकृति की दृष्टि से इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। काशी में अंतिम बैठक 13 और 14 सितंबर को तय है। इस चौथी स्थायी वित्त कार्य समूह सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक में G20 देशों से जुड़े वित्त के अधिकारियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के प्रतिनिधि व अर्थशास्त्रियों की भी जुटान होगी। काशी में G20 की अब तक 2 महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक कृषि के प्रमुख वैज्ञानिकों की 17 से 19 अप्रैल के बीच हुई थी। महर्षि व स्टार्टअप को लेकर सभी ने सहमति व्यक्त की थी। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में रोजगार के लिए भारत के कृषि विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन FAO खाद्य एवं कृषि संगठन के बीच समझौता हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर US गौतम ने बताया था कि कौशल विकास मिशन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठन FAO से बातचीत होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र के बीज शोधन, मिट्टी की जांच, डिजिटल खेती बाड़ी में रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। इसी सोच को ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय संगठन FAO से बात हुई है। इस संगठन ने भी इस कार्य में बहुत दिलचस्पी दिखाई है। दूसरी बैठक विकास मंत्री समूहों की 11 से 13 जून के बीच हुई। इसमें भी कई विषयों पर साझा सहमति बनी। खासकर तीसरी दुनिया के 125 देशों में गरीबी असमानता को खत्म करने पर काम करने की सहमति बनी। समाज सेवी विकास की रूपरेखा को स्वीकार किया गया। जैव विविधता के नुकसान को रोकने, कृषि और खाद्य प्रणालियों में बदलाव, पौष्टिक भोजन और स्वस्थ आहार जन जन तक पहुंचाने की व्यवस्था में सुधार, लैंगिक समानता समेत कई विषयों पर सहमति बनी है।